जामुड़िया में टोटो चालकों से विवाद के कारण दूसरे दिन भी बंद रहा बस व मिनी बसों का परिचालन। मिनी बस कर्मियों और टोटो चालकों के बीच विवाद का खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। मिनी बस कर्मियों ने स्पष्ट कर दिया कि जिन रूटों में बसें चलती है उन रूटों में टोटो का परिचालन बंद करना होगा। जामुड़िया में टोटो चालकों से विवाद के कारण शुक्रवार को दूसरे दिन भी बसों और मिनी बसों का परिचालन पूर्ण रूप से बंद रहा। जामुड़िया बस स्टैंड में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा और तमाम बसें जहां तहां खड़ी रही। बस नहीं चलने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिनी बस कर्मियों और टोटो चालकों के विवाद का खामियाजा आम यात्री भुगत रहे हैं। बसों का परिचालन बंद होने से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में काफी कठिनाई हो रही है। जामुड़िया बस स्टैंड से हरिपुर, रानीगंज, चांदा, दोमुहानी, कल्ला होते हुए आसनसोल रूट में हर रोज दर्जनों बसों और मिनी बसों का परिचालन होता है, लेकिन गुरुवार से जामुड़िया से इन रूटों में चलने वाली मिनी बसों का परिचालन बंद कर दिया गया। दरअसल यात्री चढ़ाने को लेकर मिनी बस कर्मियों के साथ टोटो चालकों का विवाद हुआ था और यह विवाद इतना बढ़ा कि तमाम बस कर्मियों ने एकजुट होकर अनिश्चितकाल के लिए बसों का परिचालन बंद कर दिया। पुलिस प्रशासन की तरफ से बस कर्मियों के साथ बातचीत कर बसों का परिचालन फिर से चालू करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन शुक्रवार को दूसरे दिन भी मिनी बस कर्मी अपनी मांग पर अड़े रहे और बसों का परिचालन बंद रखा। मिनी बस कर्मी इस बात को लेकर अड़ गए हैं कि जब तक टोटो चालकों की मनमानी समाप्त नहीं की जाएगी तब तक वे बस नहीं चलाएंगे। मिनी बस कर्मियों ने स्पष्ट कर दिया कि जिन रूटों में मिनी बसें चलती हैं उन रूटों में टोटो का परिचालन बंद किया जाए, टोटो के लिए अलग रूट होना चाहिए। बस कर्मियों का कहना है कि बसों के लिए निर्धारित रूट में बसों का परिचालन होगा और टोटो के लिए अलग रूट निर्धारित होना चाहिए। दरअसल बस कर्मियों के साथ यात्री बैठाने को लेकर सिर्फ जामुड़िया ही नहीं बल्कि आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर समेत कई इलाकों में इसी तरह का विवाद खड़ा होता है। पूरे शिल्पांचल में बड़ी संख्या में अवैध तरीके से टोटो चल रहे हैं और टोटो की भरमार होने की वजह से यात्री चढ़ाने के कारण आए दिन बस कर्मियों के साथ विवाद होता है। जामुड़िया से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके अपने घर के सपने को साकार करने के लिए सालुजा रेसिडेंसी लेकर आया है ड्रीम सिटी, डेवलप्ड बाय विपद वरण मंडल। कॉन्टैक्ट नंबर 8170016435। उत्तम घोष, कॉन्टैक्ट नंबर 8170037005। जयराम सिंह, कॉन्टैक्ट नंबर 9332997577। और विक्की सिंह सलूजा, कॉन्टैक्ट नंबर 8637380398। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 2.5 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा और 16 कट्ठा के रेसिडेंशियल प्लॉट उपलब्ध हैं, वो भी आसनसोल, जामुड़िया और रानीगंज शहर के कनेक्टिंग पॉइंट पर नेशनल हाईवे 2 के बिल्कुल करीब। सालुजा रेसिडेंसी में आपको मिलेंगे 40 फीट रोड, लाइट, बिजली, पानी, सीसीटीवी और एम्बुलेंस की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक करें रेसिडेंशियल प्लॉट्स। साइट एड्रेस, रानीसर ऑपोजिट लाल बांग्ला कांता, जामुड़िया।